देख रहे हैं बी न्यूज़ और मैं हूँ आपके साथ निशा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं महेंद्र विद्यार्थी जी, जो कि प्रदेश अध्यक्ष है पंचायती राज प्रकोष्ठ बिहार प्रदेश के, और उनके साथ मौजूद है अजय राय, जो कि पटना बिहार अध्यक्ष है। तो सबसे पहले तो महेंद्र जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद, और निशा जी आपके माध्यम से आपको चैनल को बहुत बहुत हार्दिक दिल से बधाई देते हैं कि पंचायती राज संगठन को आपका चैनल बराबर चलाते रहते हैं। हमारे कार्यक्रम में यहाँ के जो कौशलेंद्र जी है बराबर आते हैं, और हमने जो मनोनयन पत्र देते हैं या कोई भी कार्यक्रम होता है उसमें जाकर के आते हैं और उनका लेते हैं। लेने के बाद आपका मीडिया चलाते रहते हैं, इसलिए हम बधाई देते हैं आपको चैनल। महेंद्र जी हमें ये बताइए कि आरजेडी के राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने और तेजस्वी यादव ने पंचायती राज जैसे महत्वपूर्ण विभाग की जिम्मेदारी आपको दी है, और उसको आप किस रूप में लेते हैं और आपने अपने कार्यकाल में क्या क्या विकास किए हैं, ये हमें विस्तार से बताएं। ये पंचायती राज जो प्रकोष्ठ है जी, और ये अब निशा जी बताना चाहते हैं कि बिहार के नव निर्माण में पंचायती राज का अहम भूमिका है जी, और गांधी जी का जो सपना था उसमें पूरी इसको संवैधानिक पावर दिया गया है। महेंद्र जी आप हमें ये बताइए कि आरजेडी के राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ने आपको पंचायती राज जैसे महत्वपूर्ण विभाग की जिम्मेदारी दी है, आप इसको किस रूप में लेते हैं और आपने अभी तक के अपने कार्यकाल में क्या क्या विस्तार किए हैं, क्या क्या विकास किए हैं, ये हमारे जनता को बताइए। ये हमारे इसे छोटे कार्यकर्ता को आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी और आदरणीय जगता बाबू ने हमें जो ये पंचायती राज संगठन का जिम्मेवारी मेरे जो कंधे पर दिए हैं, हम ये बहुत चुनौती के रूप में लिए हैं। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि जब से हमको ये बनने के बाद पूरे इस संगठन के लिए रात दिन मैं काम कर रहा हूँ, और पूरे स्टेट से लेवल के लेकर के जिला लेवल तक ग्रास रूट तक हमने इस संगठन को खड़ा किए हैं। आप कहीं जाइए, आपको चैनल के माध्यम से पता लगता होगा कि बिहार में किसी ने किसी रूप से हमारा संगठन काम कर रहा है, और हमने जिला अध्यक्ष को प्रदेश पदाधिकारी को हमने आग्रह और निवेदन भी किया है कि समाज के अंदर गरीब गुरबा दबे कुचले का किसी भी ढंग का परेशानी हो तो सबसे पहले पंचायती राज का जो पदाधिकारी है वहां जाने का काम करें, उसका दुख सुख में साथ देने का काम करें, चाहे इंदिरा आवास का मामला हो, वृद्धा पेंशन का मामला हो और अन्य मामला हो। जो लाचार व्यक्ति है, जो समाज का अंतिम व्यक्ति है, जो समाज के अंतिम पंक्ति में खड़ा लोग है, वैसे लोगों के साथ दुख में खड़ा होने के लिए आप काम करिए, और उसके लिए हम इस रूप में काम कर रहे हैं। और आपको माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि पंचायती राज संगठन बिहार में राष्ट्रीय जनता दल इतना मजबूत हो चुका है कि आने वाले दिनों में 30 मई को बहुत बड़ा राज्य सम्मेलन होने जा रहा है, जिसके लिए शाम हो या कल तक हम आदरणीय तेजस्वी जी से उस पर सहमति लेंगे, उनका उद्घाटन कर्ता के रूप में उनके सहमति के मिलने के बाद इस तिथि को मैं घोषणा करूंगा, और इसके तैयारी के लिए फिर पूरे बिहार में हम भ्रमण में निकल जाएंगे और पूरी ताकत से ये पंचायती राज पटना में ताके परचम लहरेगा, और पूरे देश और दुनिया के चैनल उसको ये साबित करेगा कि पंचायती राज बहुत बड़ा संगठन है और है भी, और बिहार के नव निर्माण में ये संगठन पंचायती राज जो है अहम भूमिका में है, और इसको बहुत अधिकार गांधी जी ने दिया था और सपना देखा था, बाबा भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में अधिकार दिए थे, लेकिन जो हाल के दिनों में जिनकी सरकार चल रही है वे संवैधानिक अधिकार का हनन कर रहा है। बिहार में अफसरशाही हावी है, किसी भी दफ्तर में चल जाइए बिना पैसे कौड़ी का एक काम भी नहीं हो रहा है। बिहार में जो है अफसरों का बोलबाला है,